फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टू आई एम लकी। क्वेश्चन नंबर वन, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट, द बटरफ्लाई इज थैंकफुल फॉर इट्स विंग्स। बटरफ्लाई है वो अपनी विंग्स यानी कि पंखों को धन्यवाद दे रहा है। सेकेंड, द मैना इज थैंकफुल बिकॉज इट कैन सिंग। मैना है वो जो गा रही है वो गा पाती है इसलिए वो थैंकफुल है कि मैना तो बहुत अच्छा गा सकती है। थर्ड है, द फिश कैन रिगल। फिश है वो पानी में इधर उधर सरसराती है तैरती है। फोर्थ, द एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक। जो एलिफेंट है वो अपना क्या रेज कर सकता है, ऊंचा कर सकता है तो के ट्रंक उसकी सूंड। फिफ्थ, द कांगारू वुड होप अप टू द मून। जो कांगारू है वो मून के ऊपर कूदकर सपने में जाना चाहता था, आपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ा था ना ऐसा। सिक्स, द ऑक्टोपस हैज एट आर्म्स। किसको एट आर्म्स होते हैं तो कि ऑक्टोपस को, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे ब्लैंक्स दी गई है तो अब हम देखेंगे। फर्स्ट, एन अल्फाबेट कैन। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें आंसर दिए गए हैं और नीचे ब्लैंक्स दी गई है तो हम यहाँ से सही आंसर को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट है, एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक। जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक को रेज करता है, ऊपर करता है। सेकंड, अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई। जो बटरफ्लाई है वो उड़ता है। थर्ड, अ कैंगरू कैन हॉप यानी कि जंप करना, कैंगरू कैन हॉप। फोर्थ, अ फिश कैन रिगल। जो फिश है वो पानी में सरसराती है, तैरती है। फिफ्थ, अ मैना कैन सिंग। मैना गाती है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो डोंकीज ट्रॉट यानी कि जो डोंकी है वो दौड़ते हैं तो उसके पैरों में से जो आवाज आती है उसे कहते हैं ट्रॉट। मंकीज स्विंग। जो मंकी होते हैं वो पैरों की डाली पर जो स्विंग करते हैं ना, इधर उधर जो कूदते हैं ना उसे कहते हैं, लटकते हैं ना उसे कहते हैं स्विंग। हॉर्सेस ट्रॉट। जो हमें डोंकी का देखा था वैसे ही हॉर्स का है कि जो हॉर्स दौड़ते हैं तब उसकी पैरों में से जो आवाज आती है ना डब 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 तो उसे कहते हैं ट्रॉट। बटरफ्लाइज फ्लटर्स यानी कि जो बटरफ्लाई होते हैं वो उड़ते हैं तो उसे कहते हैं फ्लटर। बर्ड्स फ्लाई। जो पक्षी है वो उड़ते हैं। डॉग्स रन। जो डॉग होते हैं वो रन करते हैं, दौड़ते हैं। डॉग्स वेडल। वेडल यानी कि जो डॉग्स होते हैं वो पानी में धीरे धीरे जो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं उसे कहते हैं वेडल। कांगारू हॉप। हॉप यानी कि जंप करना, कांगारू जंप करते हैं। फिश स्विम। स्विम यानी कि तैरना। जो फिश होती है वो पानी में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमें यहाँ पर एक काऊ का पिक्चर दिया गया है तो हम इसकी बॉडी पार्ट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हॉर्न, एच ओ आर एन। हॉर्न मीन्स शिंग। एच ई ए डी हेड मीन्स माथा। ई ए आर ईयर मीन्स कान। ई वाई ई आई मतलब आंखें। एम ओ यू टी एच माउथ मीन्स मुंह। एल ई जी लेग मीन्स पैर। टी ए आई एल टेल मीन्स पूंछ। काऊ के बाद हम देखेंगे ये एलिफेंट का पिक्चर।
तो HEAD हेड मीन्स माथा, EAR ईयर मीन्स कान, EYE आई मतलब आंख, TUSK टस्क मीन्स जो हाथी के दांत होते हैं वो, TRUNK ट्रंक मीन्स सूंड, TAIL टेल मीन्स पूंछ, LEG लेग मीन्स पैर। अब हम पैरोट का पिक्चर देखेंगे। BEAK बीक मीन्स जो चांच होती है पैरोट की वो, EYE आई मीन्स आंख, LEG लेग मीन्स पैर, WING विंग मीन्स पंख है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर सेंटेंस देखे उसमें आपको ब्रैकेट्स में एक वर्ड दिया गया है, उसके पीछे आपको लगाना है FUL फुल। तो हम एक देखेंगे, लुक एट दोज ब्लैंक फ्लावर्स, ब्लैंक में दिया गया है कलर, तो इसके पीछे हमें लगाना है फुल, FUL कलरफुल, लुक एट दोज कलरफुल फ्लावर्स। ऐसे ही आपको ये सब अपने आप करना है, सब जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं इसके पीछे FUL फुल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फाइव थिंग्स दैट यू कैन डू एंड फाइव थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। हमें ऐसी पांच चीजें लिखनी है जो हम कर सकते हैं और ऐसी पांच चीजें लिखनी है जो हम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, आई कैन ईट फूड, यानी कि मैं खाना खा सकता हूँ। सेकेंड है, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। थर्ड है, आई कैन स्टडी बुक्स, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ। फोर्थ है, आई कैन मेक ड्रॉइंग्स, मैं ड्रॉइंग्स बना सकता हूँ। फिफ्थ है, आई कैन राइड अ साइकिल, मैं साइकिल चला सकता हूँ। सिक्स्थ है, आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता। सेवेंथ है, आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। एट्थ है, आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकता। नाइन है, आई कैन नॉट क्रूल, क्रूल यानी कि धीरे से सरकना, जैसे सांप सरकता ना वैसे, तो मैं ऐसे सरक नहीं सकता। टेंथ है, आई कैन नॉट होप, होप यानी जंप करना, तो मैं जंप नहीं कर सकता।